हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम चर्चा करेंगे बिग बॉस के बारे में। मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बिग बॉस लेके आ जाओ। तो उससे पहले बोलना चाहूँगी, आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। तो रिसेंटली मैंने सुना है कि सिद्धार्थ ने ऐसे बोला, आई हैव अ गर्लफ्रेंड एट होम। ओ माय गॉड, मतलब ये बात इतना फैल गया है सिद्धार्थ के मुंह से जो निकला था, आई हैव अ गर्लफ्रेंड एट होम। ये इतना फैल गया है ये बात, जो कि ट्विटर हर एक जगह पे हर कोई ये यूज़ कर रहा है। हैशटैग आई हैव गर्लफ्रेंड एट होम, हैशटैग आई हैव अ गर्लफ्रेंड एट होम। तो बात ये है, रिसेंटली एक टास्क हुआ था, वो टास्क में गौहर खान ने सिद्धार्थ को टच किया था। टच मतलब एक ऐसे टास्क के दौरान होता है ना, ऐसे ही नॉर्मल टच हो गया था। तो सिद्धार्थ ने एकदम से ऐसे बोला कि आई हैव अ गर्लफ्रेंड एट होम। इट मीन्स वॉट? मैं तो यार बहुत खुश हो गई कि मे बी शायद सिद्धनाज, जो एक साल से जो हर हर कोई बोल रहे हैं और हम जो देख रहे हैं, मे बी शायद वो भी हो सकती है, पता नहीं। होप सो, वो ही होनी चाहिए यार। अब पता नहीं क्या है, बहुत जल्दी हमें ये पता लगाना है कि ये है क्या, और बहुत जल्दी हमें पता चल जाएगा। और जैसे ही मुझे पता चलेगा, मैं डेफिनेटली आप लोग को बताऊंगी कि इसका मतलब क्या है, सिद्धार्थ ने ऐसे कैसे बोला कि आई हैव अ गर्लफ्रेंड एट होम। तो आप लोग की फेवरेट कौन है, मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए कि आप लोग का फेवरेट कौन है ये बिग बॉस 14 में। और सिद्धार्थ चला गया, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था सिद्धार्थ को देख के। तो सिद्धार्थ चला गया तो मैं अभी 2-3 दिन से नहीं देख रही हूँ बिग बॉस, प्रॉपरली नहीं देख रही हूँ। बट फिर भी अब देखना तो पड़ेगा, हमें देखना है रिजल्ट की क्या है और सिद्धार्थ ने ऐसा क्यों बोला। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।